गाइस यहाँ पे शाम को क्रिकेट सब कुछ चलता रहता है, पर अभी का हालत देखो गाइस, सब कुछ बंद, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, नो वन इज हियर। दिस इज द कोरोना इफेक्ट। इसमें हमने भरा है टैंक। टैंक उसको अच्छा लगता है ताकि वो सुबह जल्दी उठे थे, तो अभी वो सो रहे हैं। तो आज मैं सरप्राइज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ ताकि पता नहीं कैसा बने। तो वो सो रहे तो हम उनके लिए टैंक बनाने जा रहे हैं। आपको एनर्जी देता है और रिक्वेस्ट कि आप किसी को भी कोई बुखार है, वीकनेस है, तो ये टैंक पी लेना, उससे तुरंत अच्छा हो जाता है। टैंक बनाते हैं हमारे पतिदेव के लिए। चलिए, ये टैंक, फ्रीज का पानी मत पियो, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए हम हमने 3 स्पून टैंक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर। कुछ इस तरह से दिखता है। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज विटामिन सी लो। ये माहौल में हमको विटामिन सी लेना ही चाहिए। ज्यादा लिक्विड लो, जैसे आप लिक्विड लोगे तो आपका बॉडी है वो डिटॉक्स होता है। ये हेल्प लिए बिना मैं आज व्लॉग कर रही हूँ गाइस, तो पता नहीं। और मुझे ऐसे कहते हैं कोई के भी, तू लेंस के सामने देख, तो कैसी फुटेज निकलेगी वो मुझे कुछ पता नहीं है। उनके लिए लेकर जाते हैं तो आराम से घोड़े बेच कर सो रहे हैं। आपको दिखाऊंगी कुछ उनका रिएक्शन कैसा है। तो गाइस रेडी हो गया हमारा जूस, अब हम जाएंगे उनके पास, देखते हैं। चलो, आई डोंट नो कि वो क्या सोचेंगे। चलो, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या बात है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो? यस बेबी, कि वर्कआउट करता हूँ या कुछ ब्लॉग या बनाता हूँ तो थोड़ी देर बाद थकान महसूस होती है, तो अर्ली मॉर्निंग उठा था, थोड़ी एक्सरसाइज की और उसके बाद मैं सो गया था। कैप तो अच्छा लगता है, पर मैं जब भी अपने बाल बढ़ाता हूँ गाइस, तो इन्होंने कहा है कि एक दो बार ट्रिम और कर दो, इससे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे मलेरिया हो गया था थोड़े साल पहले और उसकी वजह से काफ़ी हद तक हेयरफॉल हो गया, और ऑलमोस्ट दूसरी बार ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी बार। पर मैंने इनके लिए, अब धीरे धीरे हेयर ग्रोथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एंड दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद हम ट्रिम नहीं करेंगे और लंबे बाल ही रखेंगे। यस, और इनको अच्छे लगते हैं बाल का ग्रोथ, तो मैंने ऐसे कहा कि आप इनको बाल का ग्रोथ अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कि आप ट्रिम करो, हेयर ऑयल करो। मैंने इनके लिए वाव का ऑनियन ऑयल मंगाया। आई विल डू रेगुलर हेयर ऑयल एंड ये टॉपिक को इधर ही फिनिश करते हैं। हम इधर ही ना, ये लेकर ये लो। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया बनाया टैंक, पूरा फ्रेश होके बात कर।
आई थिंक उधर है पुलिस वाले, और फिलहाल अभी इस ग्राउंड में शायद बैन है क्योंकि वहाँ से एंट्री बंद है। तो हम वहाँ पे हमारा बाइक पार्क करके इधर आए थे, बट ऐसा लगता है कि यू हैव टू लीव दिस प्लेस, आई डोंट नो ड्यू टू समथिंग। इसलिए क्या होता है गाइस कि यहाँ पे थोड़ा वॉकिंग भी हो जाता है और इस बहाने थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन घर में रहते हैं तो। आई डोंट नो अभी ऊपर से मना किया है क्या किया है, चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो फर्दर। मिशन है चींटियों का दल ढूंढना, अगर चींटी कहीं पे मिल जाए तो उसको खाना दे देंगे। अभी का हालत देखो गाइस, सब कुछ बंद, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, नो वन इज हियर, दिस इज द कोरोना इफेक्ट। जो ग्राउंड एक टाइम पे, अभी जो पीक टाइम है वहाँ पे पूरा भर के रहता था, अभी उसकी हालत देखो गाइस। गाइस अभी ये नवरात्रि चल रही है, सो चींटी को खाना खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, और वैसे भी आज दुर्गाष्टमी है गाइस। दूसरे जानवरों को खाना मिलता है पर चींटियों को भी अगर हम खाना खिलाए तो गाइस डेफिनेटली वो भी एक ह्यूमैनिटी एक्ट में ही आता है। हो या बड़ा गाइस, कोई भी जीव हो, हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ढेर सारी चींटियाँ हैं, लास्ट एंड यस गाइस, ये ग्लासेस मैंने पहने जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, एंड दिस इज़ माई हेडफोन, और डेफिनेटली बिना मास्क के तो हम निकल ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे इस तरीके से कुछ आप डाल सकते हो, यू कैन सी। सो गाइज, रिसेंट अपडेट ये है कि पुलिस वालों ने अभी जस्ट सभी पूरा ग्राउंड खाली करवा दिया है, और सो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे व्लॉग अभी पॉसिबल नहीं है, जाने को बोल दिया है। सो वी आर जस्ट लीविंग दिस प्लेस। अब ये क्यों खाली करवा रहे हैं, इधर क्या होने वाला है, ये तो न्यूज़ में देखेंगे, उसी में पता चलेगा। Now it's almost empty. But right now अभी हम वॉक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने को आया है, और थोड़ी ग्रोसरी भी बाकी है, जो ज़रूरी ग्रोसरी होती है, मिल्क वगैरह, डायरेक्ट वो सब चीज़ लेके घर जाके आपसे बात करता हूँ। बैक टू द होम गाइज, सामान लेके जस्ट घर पहुँच गए, एंड जो माहौल देखा गाइज, इट वॉज लाइक लिटरली सब लोग डर गए हैं, ऐसा माहौल है अभी, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट जो रास्ते थे जहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक रहता था वो सारे सुनसान हो चुके हैं। डेफिनेटली गाइज, ये जो डर है वो जायज़ भी है, क्योंकि अभी जो ये महामारी चल रही है, सेकंड वेव इंडिया में आई है, इट इज़ सो डैम गाइज, बहुत ही, अब क्या बोलूँ मैं गाइज, मी पर्सनली अभी मैं खुद हील हो रहा हूँ, बट वो क्या है गाइज कि समटाइम बाहर जाने से आपको एक मेंटली रिफ्रेशमेंट मिलता है। बोल सकते हो कि 20 दिन हो गए गाइज, सो फुल्ली रिकवर होने के बाद मैं ऐसे निकला हूँ गाइज। नेचर और सनशाइन एक मेडिसिन है, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, बहुत दिन हो गए थे गाइज, बट एज ए पॉजिटिव पर्सन वी विल फाइट इट। एक दिन सनशाइन आएगी, अंधेरी रात चली जाएगी, और ये सब खत्म हो जाएगा। बस हमको पूरा प्रिकॉशन लेना है, हमें अच्छा हेल्थी फूड खाना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और इसी तरह हम ये चेन को ब्रेक करेंगे। डेफिनेटली वन डे दिस वर्ल्ड वुड बी वायरस फ्री फॉर श्योर। एंड यस गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज वो सब्सक्राइब का जो रेड बटन है वो दबा दो, पास का बेल आइकन दबाओ तो ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो। तो 30 के ऊपर वीडियो बन चुके हैं तो डेफिनेटली लाइक तो वो बनता है गाइज, 2000 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट होने का है गाइज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड बटन दबा दो, पास का बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फन, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू लेटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।